दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ पाना बहुत कठिन तो नहीं, लेकिन एक ऐसा इंसान जो जन्म से ही नेत्रहीन हो और साथ ही गरीब परिवार से, ऐसे में शायद कोई अपनी लक्ष्य भी ना सोच पाए। वहीं आंध्र प्रदेश के श्रीकांत बोला, जिनका जन्म 1991 में हुआ था, उनका परिवार मुख्य रूप से खेती पे निर्भर था। मैट्रिक में टॉप करने के बाद बोला ने 12th में विज्ञान की चयन किया, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिली। फिर बोला ने केस दर्ज किया और 12th में 98% के साथ अपनी कक्षा में टॉप किया। इसके बाद वो IIT में पढ़ना चाहता था, लेकिन इंडिया की कोई IIT कॉलेज उसे एडमिशन देने को तैयार नहीं थी। US के नामी यूनिवर्सिटी MIT में अप्लाई किया और उसके बाद वह इंडिया का पहला ऐसा ब्लाइंड स्टूडेंट बना जिसे MIT में एडमिशन मिला। वहाँ से पढ़ने के बाद उसे वहाँ अच्छी सैलरी पर जॉब मिल सकती थी, लेकिन बोला इंडिया आए और अपने जैसे लोगों की मदद करने की सोची। और इसके बाद उन्होंने हैदराबाद में बोलांट इंडस्ट्री की स्थापना की और वहाँ दिव्यांग लोगों को नौकरियां भी दी और उन्हें अच्छे जीवन जीना सिखाया। और आज इनकी कंपनी का वैल्यू 100 करोड़ का है। ऐसे व्यक्ति के लिए एक तो बनता है।